स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। दीदी, लगता है गणु देवा ने आपकी बात सुन ली। क्या चाहिए? सब्जियां मिलेगी क्या? जैसा क्वेश्चन वैसा ही आंसर। देखो, ये मेरी दुकान है, मेरा मंदिर, यहाँ पे कोई तमा। ये दुकान मंदिर है तो कस्टमर गॉड है, और अभी मैं तुम्हारा कस्टमर है। कृष्णा सारिया, तुम बताना। दूसरा बताओ। तीसरा अच्छा है, पहन के बताओ। कृष्णा तुम अच्छा है। थैंक यू, ये हमारे नए स्टॉक का है। इससे पहले भी दिखाया था पर आपको पसंद नहीं आया। लेकिन अब पसंद आया। सारा स्टॉक पैक कर दो। सारा? कितना साड़ी है? 30। तो पैक कर दो। 30 साड़ियों का आप क्या करेंगे? दीदी जाने दीजिए ना, आप आम खाओ, गुठलियां क्यों गिन रहे हो? होगी इनकी 30 गर्लफ्रेंड्स, हमें क्या? ठीक है। चाय गिर गया। ये क्या कर रहे हैं आप? जूता साफ कर रहे हैं, दिखने रहा है। देखिए, ये हमारी हैंडक्राफ्टेड साड़ी है, बहुत प्यार और मेहनत से बनाते हैं। पोछा नहीं है ये। ये रोको, अब ये सब साड़ी मेरा, मैं जो चाहेगा वो करेगा। बराद, पकड़ना, कार क्लीनर को दे देना, और ये भी लो, घर की साफ सफाई भी करो। ये क्या कर रहे हो आप? अगर आपको साड़ियाँ पसंद नहीं है तो वापस कर दीजिए, मगर ऐसे इंसल्ट मत कीजिए, कचरा नहीं है ये।
लेकिन क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? नुकसान हुआ तो बहुत बुरा लग रहा है ना? 5 साल में पहला बार तुम्हारे वजह से मेरे को बिजनेस में लॉस हुआ है। मेरा काम मेरा लाइफ, मेरे लाइफ के साथ कोई खिलवाड़ करे ये किसी को हक नहीं है। वापिस तुम मेरे रास्ते आए तो अपना रास्ता खुद बदल लेना। तुम मेरे को वापिस दिखे तो पैर के नीचे जमीन न रहेगा, अर्थमिंदा? Excuse me. जो साड़ी डैमेज हुई है उसकी कॉस्ट है 3,250 और ये रहा बैलेंस 46,750। मैथ अच्छा है तुम्हारा, लेकिन मैं दिए हुए पैसे वापस नहीं लेता और मैं खैरात नहीं लेती। मेहनत से अपनी दुकान चलाती हूँ, किसी के चैरिटी की जरूरत नहीं है मुझे। तो ये लीजिए, ये पैसे उन्हें दीजिए जिन्हें इनकी जरूरत हो। अन्ना प्लीज रुक जाइए, वो बाकी लड़कियों की जैसी नहीं है अन्ना। ऑफ कोर्स, क्योंकि किसी लड़की में इतना हिम्मत नहीं राघव राव को बार बार इंसल्ट करे। हट, मेरे पास एक आइडिया है जिससे उसके पैसे वापस हो जाएंगे और आपकी इंसल्ट भी नहीं होगी अन्ना। दीदी, शारदा आंटी का कॉल है, केलवन के लिए बुला रही होंगी, आप चली जाइए, मैं संभाल लूंगी। हेलो आई। हाँ मैं झुमके लेकर आ रही हूँ। हो आई, आप टेंशन मत लीजिए, हम राहुल भाऊजी और मानसी को सबसे अच्छा केलवन देंगे। जी जगदीश अन्ना को कैसे भी मना के रेंट के पैसों से झुमके तो ले आई हूँ, लेकिन आगे कैसे मैनेज करूंगी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। निखिल, एक फूलों की माला वहाँ भी लगानी है। अच्छा। और अभिषेक, ये लाइट की माला है वहाँ जीने पे चढ़ा देना। ठीक है, हो जाएगा। तू उसको नीचे रख। निखिल, तू ये वीडियो पोस्ट करेगा क्या फंक्शन की? हाँ सोच तो रहा हूँ यार। एक काम करना, तू ना दूसरे के मोबाइल से रिकॉर्ड करना। क्यों? तो तेरे लास्ट वाला वीडियो था ना, उसका क्वालिटी बहुत कम था, उसके व्यू भी बहुत कम थे। मैं चाहता हूँ तू एक स्मार्टफोन ले और फिर देख तेरे व्यू कैसे बढ़ते हैं। नहीं यार, पल्लवी दी ऑलरेडी इतना सब कुछ कर रही है, अब नया फोन मांग के उन्हें परेशान नहीं करना चाहता। आ गई, केलवन की सारी तैयारियां हो गई। बाबा खुद देख लो। अरे वाह निखिल, अभिषेक, तुम दोनों तो मानसी के साथ साथ इस घर को भी दुल्हन बना दिया है। ये ले। दिखा। हाँ। कितना खूबसूरत है। निखिल, दूसरों को गोल्ड की ज्वेलरी दी जा रही है और अपने भाई को फोन तक नहीं दिया जा सकता। मानसी, ये झुमके ऐसे क्या देख रही है? मैंने कुछ नहीं किया। आई बाबा दे रहे हैं। काकू, आई लव यू। आई लव यू टू। अच्छा अच्छा, अब इसे पल्लवी को दे दे, केलवन में सबके सामने देना है ना तुम्हें। वही नहीं, वो झुमके बहुत अच्छे हैं। पल्लवी। हाँ।
हाँ बेटा, तुझसे कोई मिलने आया है। चैरिटी करने को बोला था ना, तो मैं आ गया जरूरतमंद को चैरिटी करने को। आलो सामान उतारो। तुम्हारा 10x4 का दुकान और उसमें रखा 10 साड़ियां, देख के समझ में आ गया तुमको पैसा का कितना जरूरत है। सो हियर इट इज, चैरिटी टू द नीडी। एक मिनट, दुकान पे आए कस्टमर्स का वेलकम करती हूँ, घर पे आए बिन बुलाए लोगों का नहीं। आप ही ने कहा था ना, अगर हमारे रास्ते टकराए तो मैं रास्ता बदल दूं, तो फिर क्यों आ गए मेरा रास्ता काटने के लिए? औकात दो पैसे का बिना और एटीट्यूड करोड़ों का। जी, क्योंकि ये दो पैसे हम मेहनत और इज्जत से कमाते, औरों की तरह ना तो ये बाप दादा की चैरिटी से मिला है और ना ही गुंडागर्दी या गलत काम करके। तो अपना ये सामान लीजिए और जाइए यहां से। पल्लू, वो हाँ, ये सब तूने मानसी के लिए मंगवाया है ना? आई वो भाईगा, मैं ना कल बोलने ही वाली थी तुझे, पर तुझ पर पहले से इतना बोझ है ना, और बोझ नहीं डालना चाहती थी, लेकिन मेरी गुड़िया ने मेरी मन की बात जान ली। बोला था ना, जरूरतमंद को दान देने को आया है मैं। हे, डिलीवरी बॉय, ये सब सामान अंदर रखवा दो। एक्सक्यूज मी, ये सामान अंदर रखवा दो। मैडम, हम सीनियर डिलीवरी बॉयस हैं, हम सिर्फ सामान उतारते, आप अंदर ले जाइए। सीनियर डिलीवरी बॉयस? अच्छा, तुम दोनों की शिकायत करूंगी, मैनेजर का नंबर दो। हम छोड़ कहीं के जेब में इतना पैसा है, फिर भी बोलती बंद हो गई। So sad. आई सुनिए, बाद में बात करते हैं बेटा, मेहमान आते होंगे। आओ कुटे रेलात यहाँ ना, लोकर इस सामान को अंदर रख दो। अब उस सुलोचना को बताती हूँ कि केलवन कैसे मनाते हैं। पापा, उस बदतमीज और घमंडी इंसान से एक पिन भी नहीं लेना चाहती थी मैं, लेकिन उसकी वजह से आज बहुत टाइम बाद भाई के चेहरे पर खुशी देखी है मैंने। मगर इस खुशी की कीमत मैं उसे वापस दूंगी, क्योंकि मेरे परिवार की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। प्लीज पापा, मदद कीजिए कि मैं उसे उसका एक एक पैसा लौटा सकूं। कहां मर गया वो? एक बार वो यहाँ आ गया ना, फिर होगा पल्लवी का तमाशा। डिलीवरी बॉयस। मैडम रुकिए, मैडम रुकिए। राघव अन्ना, मैंने बहुत मना किया लेकिन फिर भी वो अंदर आ गए। मुझे तुमसे बात करनी है, सिर्फ 2 मिनट के लिए। 2 मिनट से ज्यादा 1 सेकंड भी एक्स्ट्रा नहीं, बोलो। मुझे सिर्फ ये जानना है कि तुमने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, मेरी लाइफ स्पॉइल क्यों की? आज शादी थी मेरी, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन, और तुमने सब खराब कर दिया। क्यों? मैं सुनील से जेन्युइनली प्यार करती थी और शादी से पहले सिर्फ एक बार फन करना चाहती थी, दैट इज इट, और तुमने एक पल में सब खराब कर दिया। क्यों राघव? बिकॉज आई लाइक्ड यू। I thought कि तुम भी मेरे को पसंद करता है, इसलिए शादी तोड़वा दिया। But now I feel guilty. मैं अभी कभी सुनील को कॉल करके सब कुछ क्लियर कर देता। Not needed, baby. तुमने पहले क्यों नहीं बताया? That you liked me. मैं उसी वक्त सुनील से ब्रेकअप कर लेती।
इसलिए तोड़ा शादी। थोड़ा देर पहले तुम बोल रहा था ना शादी का बेस्ट दिन ये वो सब, और दो मिनट में इतना चेंज, मेरे को प्यार कर रहे हो तुम? तुम लड़कियों के लिए प्यार सिर्फ एक मजाक है, तुमको प्यार सिर्फ एक मैग्नेट है जो सिर्फ पैसों की तरफ अट्रैक्ट होता है। जो लोग बड़ा औकात के पीछे भागते हैं ना, मुझे इनको छोटा औकात दिखाना बहुत अच्छे से आता है। अब अपना बचा कुचा इज्जत और लाइफ लेके गेट आउट। हेलो मारिया, तुमने इस नंबर पे फोन क्यों किया? मैंने तुमको कितने बार बोला यहां फोन नहीं करने का करके। हाँ लेकिन जो भी हो अगली बार से यहां फोन मत करो, समझा? ओके ठीक है, कल मैं वहां 12 बजे आऊंगा, और याद रखना ये एक सीक्रेट मीटिंग है, किसी को भी पता नहीं होना। ओके पल्लवी कहाँ है? पल्लवी? हाँ। क्या हुआ, तू ठीक तो है? तू चल, दादा बुला रहे। पल्लवी बेटा झुमके देना। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।